कहते हैं नई नवेली दुल्हनों के लिए गंगौर की पूजा सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर सुहागन इस पूजा को दिलो जान से करती है। गंगौर की इस पूजा में शिव पार्वती की भी पूजा होती है। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गेला गौर का सोने का टीका दे टमका दे। और आगे कंटिन्यू है, बहुत लंबा है ये। अब इस गंगौर देखिए ना, उत्तरा देवी के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। घर की मालकिन कैसे नौकरानी बन गई है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि इसका सही हकदार यानी कि गायत्री अब इस घर में आ गई है। तो उत्तरा देवी जो आन बान और शान के साथ रहती थी, उनकी हालत देखकर हमें तो बड़ा तरस आ रहा है। एक तो गंगौर की पूजा हो रही है और उस पर नई नवेली दुल्हने, तो इसकी तैयारी भी तो जमकर होगी। जरा इन बहुओं का सोलह श्रृंगार तो देखिए, खास करके फाल्गुनी के बालों में ये गुलाबी रंग का गुलाब सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम डिफरेंट तरह से रेडी हुए हैं और अच्छे से रेडी हुए हैं। और ये जैसे कि बताया गया सुहाग की पूजा है, तो जितना सुहाग के एलिमेंट होते हैं, बोरला होता है, चूड़ी होती है, सिंदूर होता है, नथ होती है, ये सारी चीजें, सिंदूर, ये सारी चीजें पहने आई जाती है, तो वो आप देख सकते हो सभी ने पहनी हुई है। एक और फाल्गुनी खुश है तो दूसरी ओर दुखी भी, क्योंकि भगवान ने उसकी झोली में खुशी के साथ दुख भी तो दिए हैं। सूरज को मैं चाहे सारी दुनिया का प्यार दूँ, लेकिन उनका बच्चा कभी नहीं देगा। अभी हमारा सीन गया है लॉन में, जहाँ पे वो बच्चे के साथ खेल रहे हैं सूरज, और मुझे बताया जाता है कि इनको बच्चे इतने पसंद है, तो मुझे और दुख होता है कि जिनको खुद को इतने अच्छे लगते हैं बच्चे, और मैं उनको बच्चा नहीं दे पाऊंगी, तो वो एक दुख है, वो अपने भगवान से शेयर करने आती है वो दुख। पर बच्चा तू बच्चा नहीं दे पाएगी, उसके पहले तुम्हारा कोई इंटीमेट सीन्स गए हैं? नहीं। तो बच्चे ऐसे कैसे हो जाएंगे? कभी तो उनको विश्वास है ना कि कभी ना कभी दो साल तीन साल बाद हम मान जाएगा सुरेश। तो आगे का प्लानिंग है ये। वो आपसे प्यार करते हैं तो आपकी कमी को भी अपनाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।